सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। शुरुआत एक अच्छी खबर से करेंगे। कोरोना का संक्रमण झारखंड में फैल चुका है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर है। झारखंड के कप्तान यानी हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। यही नहीं, सीएम के विशेष आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। एक जंग है लड़ना में संग है। कोरोना का कहर देखिए, आम से लेकर खास सबको जग में ले रहा कोरोना। इन तस्वीरों को देखिए। सीएम आवास के गेट की छोटी सी दरार से दिख रही ये तस्वीर उस मुहिम का हिस्सा है जो हमने आपसे वादा किया है। कोरोना महामारी से जुड़ी हर खबर से आपको बाखबर रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पूरे परिवार ने स्वाब टेस्ट के लिए दिया। मुख्यमंत्री घर में क्वारंटीन हैं और आज लिए गए स्वाब टेस्ट का नतीजा भी सामने आ गया। मुख्यमंत्री और उनके परिजन कोरोना नेगेटिव निकले किया है, बाकी अभी और करीब 150 से 200 लोगों का है वो किया जा रहा है, आपके सामने ही हो रहा है। सबके परिवार का भी हुआ है, जिनका जिनका हम लोग को लिस्ट मिला था उनका नहीं। देखिए, वो नाम से हम लोगों को लिस्ट मिल गया था, लिस्ट में जिन व्यक्तियों का नाम था उन सभी लोगों का किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची है और यहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए यहां पर जो लिस्ट है, लगभग 200 लोगों का लिस्ट जो है सिविल सर्जन को मिला था। उसके बाद सिविल सर्जन मुख्यमंत्री आवास अपनी टीम के साथ पहुंचे और यहां पर जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जांच जो है वो हो रही है। आप देख सकते हैं यहां पर जो जांच की जो गाड़ी है वो आ गई है और फिलहाल जो है 24 लोगों का, मुख्यमंत्री समेत 24 लोगों की जांच की गई है और बाकी जो लोग हैं उनकी जांच अभी की जा रही है। तो लगातार यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आवास में है, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर क्वारंटीन है। ऐसे में जाँच की बात करें तो मुख्यमंत्री के सलाहकार, मुख्यमंत्री के तमाम जो साथ रहते हैं अधिकारी, उनकी जांच हो रही है। कुछ स्पेशल ब्रांच के अफसर भी हैं समेत सभी के यहां पर जांच मुख्यमंत्री आवास में हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी मिथिलेश ठाकुर और टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से होम क्वारंटीन में। दोनों संक्रमित सहयोगियों के संपर्क में सीएम सोरेन आए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनके प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, वरीय आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव भी होम क्वारंटाइन में हैं। इन अधिकारियों और सीएम कार्यालय के कर्मियों की भी कोरोना जांच हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वस्थ हैं, वो अपने सरकारी आवास से जरूरी कामकाज कर रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि झारखंड का कप्तान स्वस्थ निकला और ये झारखंड के लिए निस्संदेह एक बहुत अच्छी खबर है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए अविनाश के साथ अंकुर की रिपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, ये एक बहुत अच्छी खबर है, प्रेरणा देने वाली खबर है कि भाई हमारे जो कप्तान हैं, जो अगुआ हैं, जो नेतृत्व करता है झारखंड के, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कोरोना रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आई है, ये स्वस्थ हैं, ये एक अच्छी खबर है। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं हम राजेश का। राजेश से इस खबर को और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे और भी संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे भी हम अलग अलग शहरों का जायजा लेते रहेंगे, लेकिन पहले एक बार राजेश का रुख करते हैं। राजेश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, साथ साथ में उनके जो वरीय आप्त सचिव हैं उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो ये एक अच्छी खबर है, कैसे देखें इसे? हाँ बिल्कुल, जो आशंका थी वो समाप्त हो गई और कहीं ना कहीं ये प्रावधान है कि अगर कोई पॉजिटिव केस के संपर्क में किसी भी तरह से आता है तो उसे होम क्वारंटाइन रहना चाहिए और अगर कोई उसमें लक्षण दिखते हैं
तो उनके सैंपल की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर ये काम किया और अपना सैंपल दिया और आज ही उन्होंने सैंपल दिया, रिपोर्ट आ गई, परिवार पत्नी की भी रिपोर्ट निगेटिव आ गई और जो भी उनके टीम के सदस्य हैं वो सभी लोग निगेटिव निकले हैं। तो ये एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि देखिए राज्य का मुखिया अगर संक्रमित हो जाए तो फिर बड़ी बात हो जाती है, कहीं ना कहीं दहशत इससे आम लोगों में फैलती है। बड़ी राहत की खबर है यह कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी, उनके साथ रहने वाले वरीय आप्त सचिव और उनके प्रेस सलाहकार, सभी लोगों की जो रिपोर्ट आई है निगेटिव आई है। लेकिन आप देखिए कि झारखंड में जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं वो चिंता की बात ज़रूर है और कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को अनदेखी कर रहे हैं जो जिसके लिए हमेशा मेडिकल एडवाइजरी हो या फिर सरकार की ओर से आग्रह किया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क पहने और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। इसी का नतीजा है कि अभी जो स्पाइक हो रहा है यानी जो बढ़ोतरी हो रही है केसेस में, ये चिंता की बात है सरकार के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। तो सरकार ने आग्रह लगातार किया है लोगों से कि वो घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, बहुत आवश्यक काम हो तो इन शर्तों को पालन करते हुए आप निकले, घरों से बाहर निकले, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को तो मेंटेन करना ही ज़रूरी है क्योंकि यही एक उपाय है। अब मास्क की जो भूमिका है वो सबको पता है कि मास्क से संक्रमण से बचना भी है और दूसरे को संक्रमित होने से बचाना भी है, ये मास्क की भूमिका रहती है। तो इसलिए जितनी एहतियात हैं वो बरतने चाहिए और आने वाले समय में जैसा कि कहा जा रहा है कि ये संख्या बढ़ सकती है और जैसे जैसे टेस्ट की गति अधिक होगी तो ये शायद सैंपल्स से कलेक्ट किए जाएंगे तो और भी आने वाले समय में केसेस का पता चलेगा। जितनी अधिक टेस्ट हो वो अच्छी बात है और देखिए कई एक बड़े शहरों में टेस्ट की गति तेज हुई है जिसके सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं। अगर कोई पीड़ित है या कोई मरीज है उसका इलाज संभव है क्योंकि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है। लेकिन अभी हाल में एक सप्ताह या 10 दिन की बात करें तो झारखंड में केसेस बढ़े हैं और सरकार कई बिंदुओं पर विचार कर रही है कि आगे कौन से कदम उठाए जाएं ताकि इस संक्रमण को रोका जाए। देखिए बिहार से आने वाली ट्रेन को रोकने का आग्रह किया गया और रेलवे ने तय भी कर दिया कि ट्रेनें नहीं चलेंगी। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग बिहार से आके यहाँ पर संक्रमण फैला रहे हैं, गैर इरादतन ही सही, लेकिन ये संक्रमण एक माध्यम ट्रेन भी रहा है जिसको रोकने का आग्रह किया गया। अब सरकार ने तय किया है कि प्रशासनिक तंत्र को और ज़्यादा सख्त तरीके से काम करे, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अभिषेक, बिल्कुल सही बात है, आपने सही बात कही है। भी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर, अविनाश से एक बार चर्चा करते हैं। राजेश, आप हमारे साथ बने रहें, अविनाश का रुख करते हैं हम। अविनाश, मुख्यमंत्री आवास से अच्छी खबर और ये अच्छी खबर पूरे झारखंड के लिए कि भाई मुख्यमंत्री हमारे तो कोरोना, जो उनकी रिपोर्ट थी वो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और साथ ही साथ उनके परिवार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, उनके आसपास रहने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो जाहिर सी बात है ये एक तस्वीर की तरह हम देख सकते हैं कि झारखंड का जो रिफ्लेक्शन है वो मुख्यमंत्री आवास से नजर आ रहा है कि कोरोना झारखंड में आया है, लेकिन मरीज अगर कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। आज एक टेबल देख रहा था तो उस टेबल में टॉप जो 5 जो मरीजों के ठीक होने का जो रेशियो, उसमें झारखंड स्टैंड करता है। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना के खिलाफ सरकार का काम बहुत अच्छा, और अगर उसके बाद फिर इस अच्छी तस्वीर को देखें तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि हम कोरोना को हरा नहीं सकते। कम से कम हमारे मुख्यमंत्री ने हराया कोरोना को, तो हम भी कोरोना को हराएंगे। अविनाश, नहीं सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आपने जो जानकारी दी अपने दर्शकों को और आपने जो कहा कि जो रिफ्लेक्शन है इस कोरोना संक्रमण के दौरान इस रिपोर्ट के बाद, उसके पहले भी अगर हम देखें एक संदेश भी है, उस संदेश को समझने की जरूरत है यहाँ पर अभिषेक भाई। वो इस रूप में आप समझना होगा समाज के एक एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि जब कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से पांव पसार रहा था या अभी भी पसार रहा है, तब आम लोगों के अंदर एक भावना, अगर हम कोरोना को लेकर कहें तो ये थोड़ी दूसरी तरह की भावना रही। लोग डर रहे थे, अभी भी डर रहे हैं, जानकारी मिलने के बाद खुद को बचाना
अपना बचाव करना, छुपना, किसी को नहीं बताना, ये सारी चीजें रही। लेकिन एक अच्छी बात ये हम कह सकते हैं कि जब राज्य के मुख्यमंत्री दो ऐसे माननीयों की बात करें, जो प्रदेश के मंत्री और एक प्रदेश के विधायक की बात करें, जब उनके संपर्क में खुद मुख्यमंत्री आए और उनको ऐसा लगा कि जब वो पॉजिटिव हो चुके हैं ये दोनों ही माननीय, तब उन्होंने खुद से होम क्वारंटीन रहने का ऐलान किया और एक संकल्प आप कह सकते हैं, इसे संकल्प के रूप में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जरूरी था। वो भी चाहते तो अभी तक ये सारी चीजें जो चल रही थी उसमें जो सरकार के एक जो कामकाज है उसमें वो जरूरी होता है, मुख्यमंत्री की एक बड़ी भूमिका होती है, आपको पता है रात के 9 बजे तक मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन में रहते हैं, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले इस निर्णय को लेते हुए होम क्वारंटीन होते हुए अपने सहयोगियों के साथ इस संदेश को प्रेषित करने का काम किया कि अगर आपके साथ भी अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को हो जाए या समाज में किसी को हो जाए तो सबसे पहले करना क्या चाहिए, सबसे पहले जो सबसे नजदीक के जो कॉन्टैक्ट हैं वैसे तमाम लोगों को सेल्फ आप होम क्वारंटीन होना और अपनी जांच करवानी चाहिए, जो कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने करते हुए एक संदेश दिया। आज जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें या उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन की बात करें, दोनों ही निगेटिव हैं। और इसके अलावे भी तकरीबन 13 ऐसे लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उन 13 की अगर हम बात करें तो सभी निगेटिव पाए गए हैं। उनमें किसके नाम है, प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू हैं, उनके वरीय आप सचिव जो हैं सुनील श्रीवास्तव हैं, विमल घोष हैं, सरला मुर्मू हैं, अखिलेश कुमार हैं, पंकज मिश्रा हैं, अशोक कुमार सिन्हा हैं, उदय शंकर हैं, जय प्रसाद हैं, श्याम किशोर हैं और संजीव कुमार। इसमें से बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो छायाकार तक भी हैं, मतलब जो भी उनके इर्द गिर्द रहे उन तमाम लोगों की जांच की गई है। यहाँ इस बात को, इस तमाम जो नाम मैंने अपने दर्शकों तक रखा उसका उद्देश्य यही है कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार इस लड़ाई को न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि जो आपने आंकड़े बताए हम जीत भी रहे हैं। यही बात अविनाश, क्या है कि जब अपना न्यूज 11 भारत का फेसबुक पेज हम देख रहे थे तो कई कमेंट्स उसमें नजर आए कि भाई मुख्यमंत्री की रिपोर्ट इतनी ना जल्दी क्यों आ गई और इनकी रिपोर्ट इतनी जल्दी क्यों आ गई। तो दर्शकों को हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि देखिए मुख्यमंत्री की रिपोर्ट जल्दी नहीं आई है, आपकी रिपोर्ट भी इतनी ही जल्दी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि मुख्यमंत्री खास है, मुख्यमंत्री से पूरे राज्य को प्रेरणा मिलती है। अगर मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव निकल जाते, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिबिंब दिखाते हैं बाकी राज्यों को, तो वो तस्वीर थोड़ी सी भयावह हो जाती, ज्यादा भयावह हो जाती। कुछ बोलना चाह रहे हैं अविनाश इसे लेकर के? नहीं, ये तो आपने एक पक्ष बताया है, मैं उसका दूसरा पक्ष भी बताना चाहूंगा। जिस ट्रूनेट मशीन के जरिए ये जांच की गई है, उस ट्रूनेट की अगर हम बात करें राज्य में उसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, पहली तो ये जो लोग अभी सुन रहे हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम जानकारी न्यूज 11 के माध्यम से दे रहे हैं। वो किसके लिए है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है, वैसे बुजुर्ग जिनको अचानक अस्पताल लाया जाए और उनकी स्थिति ठीक ना हो, और आज जो वर्तमान स्थिति है कि इस कोरोना के संक्रमण के दौरान अगर कोई मरीज आता है तो सबसे पहले उसका कोरोना जांच हो रहा है, इसलिए अगर वहां वो वेट करेंगे 48 घंटे तब उनके साथ जो है अन्याय होगा, इसलिए वो ट्रूनेट मशीन का इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे लोग जिस ओर आपने इशारा किया कि एक मुख्यमंत्री का एक बड़ा दायित्व होता है, उनके जिम्मे बहुत सारी फाइलें हैं, अगर वो बहुत दिनों तक इस जांच के लिए प्रतीक्षा में रहते हैं तो ये राज्य का नुकसान है, राज्य का। वैसे ये इसमें कहीं कोई खास और की बात नहीं है, इसमें वैसे लोगों के लिए भी ट्रूनेट मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति जाकर इसका डाटा ले सकता है, जो बहुत कैसे इमरजेंसी जिसकी सेवा हम कहते हैं जिसका नाम है, उसके तहत जो भी मरीज आते हैं उनके लिए ये सेवा इसलिए उपलब्ध कराई गई है कि ताकि उनके इलाज में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा कि ट्रूनेट मशीन के जरिए जो रिपोर्ट आती है उसमें अगर आपका किसी का भी निगेटिव आ जाए तो जो दूसरी पद्धति है उसके तहत जब जांच होगी तो उसमें पॉजिटिव आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन दूसरी पद्धति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपका पॉजिटिव आ भी जाए तो उसमें बाद में जांच करने अगर हम जाए तो निगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ निगेटिव होने के बाद पॉजिटिव होने की कोई संभावना नहीं है। तो कुछ लोगों के मन में ये जरूर भावना होगी कि मुख्यमंत्री जी का बहुत पहले आ गया, उनके से जुड़े हुए लोगों के बहुत पहले आ गया, उनकी भावना सही है, लेकिन
ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए राज्य सरकार ने उनके लिए ये व्यवस्था नहीं की है, ऐसी बात नहीं है। उनके घर भी अगर भगवान न करे कि इसकी जरूरत पड़ जाए तो स्टूडेंट के जरिए उनको भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल, यही एक जिज्ञासा थी अविनाश, और इस जिज्ञासा का आपने बखूबी उत्तर जो दिया, कई जो डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर होना जरूरी थे, तो मैंने सोचा कि उसको भी यहाँ पूछ लिया जाए ताकि उन डाउट्स का बहुत क्लियरेंस आ जाए और आपके जवाब से सारे क्लियरेंस आ गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका कि आप जुड़े हमारे साथ, और सबसे बड़ी बात कि आपने कुछ ऐसे डाउट्स के जवाब दिए जिन डाउट्स के जवाब शायद मेरे पास भी नहीं थे, तो इसी कारण से इन सवालों को मैंने इस पटल पर रखना चाहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम जमशेदपुर धनबाद की भी तस्वीरें देखेंगे, लेकिन उससे पहले राजेश से भी हम जुड़ेंगे, रांची की तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट यह है कि मास्क नहीं पहनने वालों को सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि WHO भी मान रहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा से भी फैल सकता है, इसलिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क के भूल कर भी मत जाइएगा। एक रिपोर्ट देख लीजिए। विश्व के करीब 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने यह माना है कि कोरोना वायरस हवा के द्वारा भी फैल रहा है। इससे पहले अब तक यही दावा था कि ये ग्राउंड के जरिए लोगों में फैलता है। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि 5 से 10 घंटे तक हवा में वायरस के कण हो सकते हैं, और उन सभी बात की जानकारी वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को खुला पत्र लिखकर भी दिया है। अब खुद WHO के टेक्निकल लीड डॉक्टर मारिया वान केरखोव ने भी कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वो जो रहते हैं हवा में वो काफी देर तक रहते हैं, और ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो बहुत देर तक हवा में रहते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो रीच होती है, जो ड्रॉपलेट होती है, वो आपका 1 से लेकर 2 फीट तक की दूरी पर ही रहेगा, लेकिन एयरबॉर्न जो है वो अब बहुत दूर तक जा सकता है, तो इससे संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो इस पर रिसर्च हो रही है और रिसर्च की जरूरत है। भारत कोरोना के संक्रमण में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर आ चुका है। झारखंड में भी संक्रमितों की संख्या हर दिन बेतहाशा बढ़ रही है। कई लोग हैं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। खांसी से ज्यादा होता है, बात करने से कम दूर तक जाता है, इस तरह की बात थी। लेकिन अब है कि जब साइंटिस्टों ने कहा कि हवा में फैलता है, घूमते हुए फैलता है, तो उस पर अभी WHO अपना स्टडी करेगी तभी कुछ बोलेगी। अभी WHO ने इसको केवल संज्ञान में लिया है, माना नहीं है। अभी भी हम लोग उसी बात को मानेंगे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बीमारी फैलती है और 2 गज की दूरी का रहना काफ़ी है। हो सकता है कि जहाँ इंटेंस ट्रांसमिशन हो वहाँ वायुमंडल में भी ये संक्रमण रहे और वो लोगों को हो, लेकिन अभी तक इसका प्रूफ कम से कम इंडिया में मेरी जानकारी के अनुसार तो नहीं मिला है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी अब तक ये मानती है कि छींकने और खांसने से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता है। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अनुसंधान के बाद अगर ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि कोरोना हवा से फैल रहा है तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी अरविंद के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो समझिए कि अगर कोरोना का वायरस हवा से फैलता है तो ये कितना खतरनाक है, और कोरोना की स्थिति झारखंड में कुछ ऐसी है कि सही बात यह है कि आपको घर से निकलने पर मास्क लगाना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ जमशेदपुर से अन्नी अमृता जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ रांची से राजेश जुड़े हुए हैं, और धनबाद से अभिषेक हमारे साथ हैं, और कोरोना की इन सभी जिलों में तस्वीर क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अन्नी के पास चलते हैं। अन्नी, अगर कोरोना की वस्तु स्थिति हम जमशेदपुर में समझने की कोशिश करें या जमशेदपुर के हम पूरे कोल्हान में समझने की कोशिश करें तो क्या नजर आता है? पहले की रणनीति में और अब की रणनीति में क्या कुछ नजर आ रहा है परिवर्तन प्रशासन के, क्योंकि कोरोना को लेकर के तस्वीर अब बदली हुई है? अब बिल्कुल देखिए, जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ भारतीय, उसके बाद धीरे धीरे लोगों की लापरवाहियां भी नजर आने लगी, जो हम हर दिन आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो है बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है, मास्क कई लोगों ने नहीं लगा रखे, हालांकि 90% लोग मास्क के साथ दिखते हैं, लेकिन जो 10% मास्क के साथ नहीं, वो खुद भी खतरे में है, दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो जो प्रशासन है उसकी भी रणनीति बदली है। 2 दिन पहले ही DC ने तय किया कि अब कड़ा रुख अख्तियार करना होगा, क्योंकि आप जान लीजिए कि 627 हो गई अब संख्या, जो संक्रमित लोगों की संख्या 627 हो गई है। अब तो ये स्थिति है कि TMH के अलावा जो अन्य 2 हॉस्पिटल चिन्हित किए गए थे वहां पे जाकर विजिट कर रहे हैं DC, और ये बता रहे हैं कि 1 सप्ताह के भीतर अब आप लोग तैयारी कर लीजिए वहां पर बेड्स कम से कम 50 या 100 बेड के साथ, कि वहां पर जरूरत पड़ने पर रोगियों को लाया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं।
तो लगातार दो तीन दिनों ने जो प्रशासन ने सख्ती दिखाई है तो थोड़ा असर हुआ है लोगों पर। और आज भारती आज दोपहर 3 बजे से कल रात के 7 बजे तक शहर के जितने सब्जी मार्केट है उनको बंद कर दिया गया है और सैनिटाइज किया जा रहा है। तो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास प्रशासन कर रही है। और एक और नई चीज ये आई है कि जो कंटेनमेंट जोन बने हैं 20 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है तो वहां पे प्रत्येक व्यक्ति का सैंपल लिया जाएगा। ये एक नई बात आई है कि अब प्रत्येक व्यक्ति जो कंटेनमेंट जोन के आसपास या उसके परिधि में है उनका सैंपल जांच के लिए लिया जाएगा। तो ये प्रशासन ये रुख अख्तियार कर रहा है। लेकिन भारती, सावधानी जो है जीवन का एक हिस्सा हो सकती है। अगर आपकी जिंदगी ही सावधानी बन जाए तो मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आत्महत्या की दर बढ़ी हुई है इस पूरे पीरियड में, कोरोना के इस पीरियड में लोग जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, नौकरियां छूट रही हैं। तो हमें इन चीजों पर भी ध्यान रखना होगा। हम सिर्फ मास्क करके प्रशासन को सड़क पर नहीं उतार सकते। आप देखिए कि पूरा प्रशासन ये देखने में व्यस्त है कि आपने मास्क पहना है कि नहीं। जमशेदपुर के हालात ये है कि विभिन्न स्थानों पर शराबी जुआरी अड्डेबाजी कर रहे हैं और पुलिस को फुर्सत नहीं है उधर देखने की। तो हमें इन चीजों पर भी गौर फरमाना होगा कि सावधानी बरतते हुए कैसे हम जीवन में चले, और नहीं तो सरकार पूरा लॉकडाउन कर दे, क्योंकि तभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और नहीं तो यहाँ पे लोग मानते नहीं है, ये भी एक सच है भारती। बिल्कुल, एक ऐसा सच, एक अकट सच के बारे में आप बात कर रही हैं जिस सच की ओर शायद प्रशासन अभी देखना नहीं चाहता। अभिषेक हमारे साथ हैं, धनबाद से जुड़े हुए हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, शायद अभिषेक भी इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं। अभिषेक जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जो है कोरोना का जो खतरा है और जिस प्रकार से अभिषेक बढ़ती जा रही है, अब हम सबके लिए चिंता का विषय है। देखिए सबसे सुखद खबर आज का यही है कि हमारे सूबे के मुखिया और उनके परिजन और उनके साथ जुड़े हुए जितना तमाम सीएमओ से जुड़े हुए जो अधिकारी वर्ग थे वो सभी सकुशल हैं और उनका रिपोर्ट निगेटिव आया है। और ये बड़ी सुखद खबर है। जब सरकार सुरक्षित रहती है तो जनता को भी ये भरोसा हो जाता है कि हम सब भी सुरक्षित रहेंगे, हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये बड़ी बात है, ये आशा और उम्मीद की किरण जगाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि धनबाद में जहां तक सख्ती की बात है तो अब जो है प्रशासन भी थोड़ी पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। जैसा कि डीसी एसपी खुद जो है आज उन्होंने जागरूकता रथ जो है रवाना किया है, जिले के सभी प्रखंड स्तर पर वो रथ जो है पहुंचकर लोगों को बताएगी कि संक्रमण के खतरे से बचाव के क्या कर सकते हैं, आम लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना, सैनिटाइजेशन का या फिर मास्क लगाने की बात, ये सारी चीजें। दूसरी बात है कि सड़कों पर भी अब पुलिस चेकिंग बढ़ गई है और हेलमेट से ज्यादा अब मास्क चेकिंग हो रही है। ये सही है, सभी वाहनों पे भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहां तक कि बाहर से आने वाले वाहनों के लिए ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना ई पास लिए अगर कोई वाहन झारखंड में की सीमा में या फिर अपने धनबाद की सीमा में प्रवेश करते हैं तो उनको या तो वापस लौटने के लिए मजबूर किया जाए या फिर उनपे कार्रवाई किया जाए। ये स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश देने के बाद हमारे बंगाल बॉर्डर, जो कि बंगाल हमारा सेंसिटिव है और वहां से ज्यादातर पहला भी केस आपको याद होगा, फर्स्ट केस जब धनबाद में आया था 16 अप्रैल को तो वो पहला केस भी बंगाल से ही आया था, आसनसोल से आया था। तो आज भी हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द जो है बंगाल के बॉर्डर से जो है जो बिना पास के लोग जो घुस जाते हैं उनके वजह से होती है या फिर बिहार के क्षेत्रों से भी आने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए अब खतरा बढ़ गई है। बिहार, यूपी, बंगाल तीनों ने सख्ती दिखा दी है, तीनों ने लॉकडाउन की ओर वो बढ़ गए हैं, लेकिन झारखंड अनलॉक रहते हुए सख्ती करके कोशिश कर रहा है कि लोग जो है जागरूक हो जाए और हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक से चलती रहे, लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहे और खुद से लोग पालन करें। और इसीलिए देखिए अब चीजें जो है, देखिए आंकड़ा जो है आज का जो आंकड़ा आया है बुलेटिन वो आपको एक बार बता दे कि धनबाद में स्क्रीनिंग किए गए लोगों की संख्या 1335 है, होम क्वारंटाइन में लोगों की संख्या 426 है और टोटल अगर इस वक्त में पॉजिटिव केस की संख्या 288 है। एक्टिव केस जो है वो सैकड़ा पार कर, मतलब सैकड़ा हो चुका है, 100 है और संक्रमण से ठीक हुए लोगों की संख्या 181 है। देखिए ये अभी तक के आंकड़े हैं, 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद ये आंकड़े क्या होंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि पीएमसी से जब भी आंकड़े जारी होते हैं तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार माने एक तरह से कहें कि धमाके हो रहे हैं, 29-30 एक बार में निकल जा रहे हैं। तो ये खतरा है। अब मैंने ही बताया कि पुलिस हो, डॉक्टर हो या फिर पत्रकार हो या राजनेता हो, यहां तक कि विधायक भी, सभी लोग जो है संक्रमण के शिकार हो गए। तो कोरोना तो पहले ही कह चुका है कि कोरोना भाई हमारी जाति पाति धर्म हम सबसे ऊपर उठे हुए हैं और ये हमारा आम हो या खास वीवीआईपी हो,
कोरोना सेकुलर है और ये सबके लिए है, और ये इसीलिए मैं कह कि ये बड़ा समदर्शी है, ये सबको पकड़ता है, और जो इसके करीब जाएगा वो उस पर समझिए कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके लिए निगेटिव पक्ष ये हो सकता है कि आप उससे दूरी बनाए रखें, निगेटिव रहेंगे बिल्कुल, वरना उसके करीब जितना जाएंगे पॉजिटिव होने की संभावना ज्यादा है। थोड़ा एक सवाल अब मैं अन्नी से भी लेना चाहूंगा, पॉलिटिकल क्वारंटाइन से जुड़ा ये सवाल है, उसके बाद आपके पास भी आऊंगा और फिर राजेश के पास भी आऊंगा, कम कम शब्दों में इसका जवाब चाहूंगा चूंकि वक्त हमारे पास कम है। अन्नी, पॉलिटिकल क्वारंटाइन अभी नजर आ रहा है, हमने रांची में देखा कि बीजेपी कार्यालय, बीजेपी जो मुख्यालय है रांची का, तो उस मुख्यालय में लोगों का अब अनावश्यक प्रवेश वर्जित हो गया है। कांग्रेस में भी कम से कम इतना जरूर है कि हाँ भाई ये ध्यान दिया जा रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर अंदर कोई घुस रहा है तो बाकायदा मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीजों के साथ ही घुसे। तो क्या जमशेदपुर में भी ऐसी कोई पॉलिटिकल क्वारंटाइन की खबर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जो प्रदेश जिला का जो भाजपा कार्यालय वो बंद पड़ा रहता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई गतिविधि हमें नहीं नजर आती है। बीच में कांग्रेसियों ने कोशिश की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की, तो केस हो गया, इंटक नेता पर केस कर दिया प्रशासन ने लॉकडाउन का, तो वे भी अब सावधान हो गए। तो बीच बीच में कुछ कुछ गतिविधियां होती है जिसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आती है, क्योंकि नेता जो है ना वो डर गए हैं कि हम लोगों से नहीं मिलेंगे, हम मुद्दों को नहीं उठाएंगे, हम डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो फिर हमारी राजनीति चमकेगी कैसे और लोग समझेंगे कैसे हम क्या कर रहे हैं। और ये सही बात भी है क्योंकि राजनीति तो जनता से ही चलेगी, जनता के मुद्दों से। तो ये बड़ा विचित्र दौर है भारती, और डर का एक ऐसा व्यवसाय जन्म ले चुका है जिसकी गिरफ्त में हम और आप सभी आ गए। आप देखिए यहाँ दो मौत हुई है जमशेदपुर में, आप इसकी गहराई में जाइए अगर दो मिनट समय देंगे तो, दोनों ही मौत में जो मृतका वृद्धा है उनकी उनकी जो मौत हुई उनकी उम्र 88 वर्ष थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर था, बहुत सालों से वो बीमार थी, उनकी मौत होती है, मौत से पहले दो बार नेगेटिव टेस्ट आता है उनका, जब कोरोना टेस्ट किया जाता है टीएमएच में नेगेटिव आता है, यानी जो उनकी बीमारियां हैं उनका इलाज चल रहा था। जब मौत होती है तो नए नियमों के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुछ संदिग्ध हालत में मौत हो रही है उसकी कोरोना जांच होती है, तो कोरोना जांच में वो पॉजिटिव पाई जाती है। अब आप इसको क्या कहेंगे, आप इस तरह की जितनी मौत हो रही है आप उसको डेटा में कोरोना में लेते हैं और आप उसको कोरोना में जोड़ते हैं, पर गहराई से सोचिए तो क्या ये कोरोना से डेथ है, क्या ये रीजन है? तो ऐसे पूरे देश के अगर आंकड़ों को देखें तो जरा ईमानदारी से ये सोचने की जरूरत है कि क्या ये आंकड़े, अगर सही समझने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं सही समझ रहा हूँ, तो क्या मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक ये डर है? ये डर है, और आप ये देखिए कि बाकी बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है। भारती में कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जो टीएमएच इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि वहाँ कोरोना ना हो जाए, वे किसी और बीमारी का इलाज कराने जाएंगे उनको कोरोना हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, दो दिन पहले एक लड़की ने आत्महत्या का प्रयास किया है, उसके पैर टूट गए, वो दूसरी या तीसरी मंजिल से कूद गई थी, वो मरी भी नहीं, उसने मरना चाहा वो मर नहीं पाई, पैर टूट गए, टीएमएच में एडमिट हुई और अब उसकी कोरोना जांच पॉजिटिव आई है। अब आप ये सोच लीजिए कि संक्रमण किस हद तक फैल रहा है कि अगर कोई अस्पताल कोविड अस्पताल बनाया गया है तो उसके एक हिस्से में भले उसको बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा हिस्सा उससे प्रभावित हो रहा है कि जो लोग वहां जा रहे हैं उनके कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं बाद में। तो ऐसे में आप कितना बचिएगा और कहां कहां बचिएगा, और डर के मरने से तो अच्छा है कि हम खुश रह के जिंदा रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये तो देखें कम से कम शांति से बैठकर ये देश एक आंकड़ा गिने कि क्या इन्फ्लुएंजा से जितने लोग मरते हैं क्या उस आंकड़े को पार कर लिया है कोरोना ने? इन्फ्लुएंजा का ही एक टाइप है कोरोना, जिसको हमने ग्लैमराइज कर दिया है कोरोना नाम दे करके। तो जरा इस पर जो विशेषज्ञ है बैठ के ये देखें कि आंकड़े कितने हो रहे हैं वास्तव में, तो हम सच्चाई के ज्यादा करीब होंगे तो डर कम होगा और हम उसको तकनीकी दृष्टिकोण से समझेंगे और देखेंगे कि कितना हम बच सकते हैं और कितना नहीं बच सकते हैं। जैसे अगर वो पागलपन नहीं करना है, डर का पागलपन अगर करेंगे तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, तो ये भी तो ध्यान देना है। आप देखिए, आप हम लोग बात करते हैं लॉकडाउन हो जाए या ना हो, अगर लॉकडाउन होता है आप वो सारे व्यवसायियों के बारे में सोचिए जिनके व्यवसाय ठप हैं, जो सैलून चलाने वाले हैं, जो नाई हैं, जो ब्यूटी पार्लर चलाने वाले हैं, जो जिम चलाने वाले, ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, सड़क पर कपड़े बेचने वाले, उनके घर आखिर कैसे चल रहे हैं? उनके बच्चों की फीस तो माफ हुई नहीं, आपने देखा कि फीस को लेकर कितनी नौटंकी हुई है इस राज्य में कि मंत्री की बात स्कूल नहीं मानते। क्या कोई सोच रहा है कि उनके जीवन कैसे चल रहे हैं? और क्या उस तरह से जब जीवन चल रहे हैं तो लोग क्या मर नहीं रहे हैं, आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? तो क्या हमारा कर्तव्य ये नहीं कि हम उन चीजों पर भी ध्यान दें कि हम सिर्फ डरते रहे कोरोना से? अब तो कोरोना आ गया, अब आप कहते हवा में है, अब आप कहाँ बचिएगा? जिस व्यक्ति की मौत हुई सुनारी के, जिस वृद्ध व्यक्ति की जो पहली मौत हुई जमशेदपुर की, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी भारती, ना कहीं वो आते थे ना जाते थे, बहुत साल से बीमार थे वो, और उनके यहाँ भी कोई ऐसा नहीं था जो कहीं बाहर से आया, फिर भी उनको हुआ।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी हो रहा है जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं, जो कहीं गए नहीं। अब कितना बचिएगा आप? अब आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, रिसर्च बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। मतलब आपने जिस तरीके से इस बात को रखा है, अब तक कोरोना को लेकर के जो मेरे मन में था, मेरी परिभाषा ही बदलती हुई नजर आती। चलिए एक बार राजेश के पास चलते हैं। राजेश, पॉलिटिकल क्वारंटाइन से ये बात शुरू हुई थी, क्योंकि आप तो बीजेपी और कांग्रेस आप दोनों देखते रहते हैं, दोनों कार्यालयों में जाते रहते हैं, और कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तस्वीरें भी आप देख ही रहे हैं, तो कितना कुछ पॉलिटिकल क्वारंटाइन अभी नजर आ रहा है। हालांकि अन्नी की बात पर हम वापस आएंगे, अभिषेक सभी इसको लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार पॉलिटिकल क्वारंटाइन पर राजेश से हम चर्चा कर लेते हैं। राजेश, देखिए ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर डर, हम शब्द का हेर फेर हो सकता है, सावधानी, डर, एहतियात, ये शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन कोरोना का जो संक्रमण अभी तेजी से बढ़ रहा है, कोई भी निर्णय लिया जाता है, अब देखिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी आग्रह करते हैं लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, तो इसका कोई आधार होता है। मेडिकल अधिकारियों के अनुसार जो एडवाइजरी होती है वो उसके आधार होते हैं। तो जहाँ तक बीजेपी कार्यालय की बात करें, अभी 3 घंटे एक बैठक चली है वर्चुअल सिस्टम के माध्यम से, केंद्रीय नेता उससे जुड़े हुए थे और सभी पार्टी के जो नए कमेटी के लोग हैं उनसे परिचय हुआ और कई निर्देश दिए गए। जेएमएम का कार्यालय बंद कर दिया गया है क्योंकि बाहरी लोगों के आने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। कांग्रेस ऑफिस में कोई भी बैठकें नहीं होती है, ये भी निर्देश प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। हाँ, भले कुछ पार्टी के प्रवक्ता हैं, पदाधिकारी, वो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो उपस्थिति है वो काफ़ी नगण्य है। तो ऐसे में देखें ये जरूरी है, क्योंकि पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में कई दूर दराज से कार्यकर्ता आते हैं और इसका कोई ठिकाना नहीं रहता कि वो कहाँ से कोरोना लेके आ जाएंगे या संक्रमित होके आ जाएंगे। तो ये एहतियात बरता जा रहा है सभी बीजेपी के नेताओं के द्वारा, पूरी पार्टी के कार्यालय में तालाबंदी की गई है, कोई भी बहुत ही अंदर जो जा सकता है वो किसी की इजाज़त से ही जा सकता है। तो ऐसे में देखें तो ये बहुत ज़रूरी है, और जो सभी पार्टी के दफ्तरों में देखने को मिल रहा है कमोबेश बीजेपी, ये अलग बात है कि बीजेपी बहुत सख्ती किए हुई है, किसी को भीतर अंदर प्रवेश करने नहीं देती, लेकिन इसका अर्थ वही है जो आम लोगों से आग्रह किया जाता है कि आप कॉन्टैक्ट में नहीं आए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जहाँ तक संभव हो घरों से नहीं निकले। इसी पैरामीटर के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने अपने दफ्तरों में या मिलना जुलना कम कर दी है, तो इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। सकारात्मक लेना है, बिल्कुल। चलिए एक अंतिम सवाल हम अभिषेक से ले लेते हैं। अभिषेक, अन्नी जो बोल रही थी, आपने सुना वो बातें, आपने सुनी, और जाहिर सी बात है जिन बातों को उन्होंने सामने रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जब अन्नी की बातों को मैं ध्यान में रखता हूं तो उसके बाद फिर एक कार्टून मेरे दिमाग में आता है। कल मैं जब फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो उस वक्त एक कार्टून मैंने देखा, और उस कार्टून में बड़ा अद्भुत, मतलब अजीब सी चीज थी उसमें, अद्भुत कहें अजीब कहें कि मतलब उसमें यह कहा गया था कि कोरोना के ही पर्दे में अगर पूरे विश्व में देखें तो करीब करीब आधे विश्व पर राष्ट्रवादी सरकारों का कब्जा है, चाहे आप बाहर भारत से लेकर के इटली की बात करें, अमेरिका से लेकर के आप इजराइल तक की बात करें, कहीं की भी बात करें। तो क्या कोरोना एक छद्म शत्रु के रूप में है जिसको हमारे मन में डर के रूप में और जबरदस्ती ग्लैमराइज कर दिया गया है? अन्नी की बातों को अगर हम ध्यान में दें तो बहुत कुछ तस्वीरें जो है वो धुंधली हुई साफ होती नजर आती हैं। अभिषेक जी, बिल्कुल, देखिए ये बात तो है, ये विश्वव्यापी संकट में ये बात खुल के सामने आई है कि कोरोना कुछ लोगों के लिए अवसर है और कुछ लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। ये दो तबके, ये दो अलग अलग स्थितियां पैदा करके रखा है। और अगर सर्वहारा की बात करें तो कॉमन मैन के लिए चिंता ज्यादा बढ़ी हुई है, जो आम आदमी, जो हैंड टू माउथ है, उसके लिए सबसे बड़ा संकट है। आप बड़े लोगों की बात करेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं रहा, लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनके लिए बड़ा चिंता का विषय है। और इसीलिए अन्नी जी ने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया था कि वो लोग जो सामान्य लोग हैं जिनके पास में रोजी रोटी के साधन बहुत कम बचे हैं और उनके लिए परेशानियां ज्यादा आ रही है, लेकिन अब हमें इसी के साथ जीना है। और चूंकि दवाई जब तक हमारे पास नहीं आ जाता, टीका जब तक पूरी तरह से नहीं आ जाता, तब तक हमको इसी के बीच में रहना है और कोरोना को हराना है। अगर किसी को पॉजिटिव आ भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलाज के तौर पर हमारा सबसे बड़ा विश्वास ही है जो हमें उस पर विजय दिलाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि इस वक्त में ये बात सबको पता चल गया है कि हालात बेकाबू हैं,
इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर धैर्य की जरूरत है, और जो सरकार के दिशा निर्देश है या जो अब तक हमारे पास बचाव के उपाय हैं वो अगर हम करते रहे तो खतरा टाला जा सकता है, जैसे भीड़ भाड़ से बचना। देखिए जैसे ही यह मामला आया, आपको याद होगा कि जैसे ही पत्रकारों का, विधायक और पुलिस कर्मियों का या स्वास्थ्य कर्मियों का ये लगातार केस आए, हमारे यहाँ एक दर्जन से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर्स जो है संक्रमित हुए, पुलिस कर्मी हुए, दो दर्जन से ज्यादा पत्रकार हुए, तो इसके बाद अब जो है नेताओं पे भी जो कार्यक्रम जो बेतहाशा हो रहा था, कुछ तो वर्चुअल कर रहे थे लेकिन ज्यादातर कार्यक्रम कर रहे थे, भीड़भाड़ हो रही थी, उस पे अब लगाम लग गई है। ज्यादातर आपने कहा कि ज्यादातर नेताओं की बात, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियों जो है वो अब सेल्फ क्वारंटाइन की स्थिति में आ गई। अब जैसे आज ही सांसद पीएन सिंह का जन्मदिन था, अगर ये कोरोना का अवसर नहीं होता तो बड़ी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाता, लेकिन आज जो है सबने फेसबुक पर अपना जो है सोशल मीडिया के जरिए उनको शुभकामनाएं देकर अपना इतिश्री कर लिया, और जो लोग बहुत करीब रहे होंगे वो एक के दुके जाके मिले भी। उसी तरह से भाजपा विधायक राज सिन्हा मिलना जुलना उन्होंने बिल्कुल अपना कार्यालय बंद कर लिया है। अगर बात करें झरिया विधायक की, पूर्णिमा सिंह का, वो भी कार्यक्रम अपना सीमित कर दिया, बहुत ज्यादा मिलना जुलना कम हो गया है। इसके बाद अगर कहें तो दूसरे विधायकों के, इंद्रजीत महतो के साथ भी वही है, निरसा विधायक भी, तो सबने अपने कार्यक्रम में कर्टेल कर दिया है। बागमारा विधायक तो चूंकि जेल में है तो उनको वो एक तरह से क्वारंटाइन ही है, जेल में भी है और क्वारंटाइन भी उनका पूरा हो रहा है। तो एक तरह से सब हालात, तो एक तरह से कहिए कि हालात यही है कि नेताओं ने अपने कार्यक्रम पे लगाम लगा दिया है, और अब जो है खुद जो है आम जो, जैसे यहाँ पे अगर कहें कि धनबाद जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स की विभिन्न इकाइयां खुद से सो मोटो फैसला लिया है कि वो अपने दुकानों की जो अवधि है खुलने का उसको वो सीमित करेंगे, जैसे बटान ने फैसला लिया, बटान चैंबर ने, उस तरह से मटकुड़िया चैंबर ने फैसला लिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, और अन्नी अमृता आपका तो खास शुक्रिया क्योंकि कोरोना को लेकर के एक नया व्यू आपने रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े और आपने इस चर्चा में कई ऐसी बातों को हमने छूने की कोशिश की जिन पर अमूमन चर्चा नहीं होती है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना पर हम चर्चा कर रहे थे, कोरोना के साथ एक सवाल अब यहां पर खड़ा हो जाता है जिस सवाल को अन्नी ने उठाया, और शायद इस सवाल के बारे में आपको भी सोचने की जरूरत है कि क्या कोरोना में हम जीना छोड़ दें या फिर कोरोना से हम डर के जिए। कोरोना के कारण हम जीना तो नहीं छोड़ सकते, यह बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब ढूंढिएगा, इसका जवाब ढूंढने की जरूरत है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। एक जंग है।